दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में एक से एक स्टाइलिश एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपने एक्टिंग के जलवों के साथ साथ अपने फैशन सेंस के जलवों से भी स्मॉल स्क्रीन पर आग लगा दी है। वो हसीनाएं हर तरह के कपड़े पहनकर फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ाती रहती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हर तरह की स्टाइलिश ड्रेसेस कैरी करने वाली वो एक्ट्रेस अपने टीवी शोज में मराठी रोल निभाने के दौरान मराठी कॉस्ट्यूम कैरी कर चुकी है और अपने ट्रेडिशनल मराठी पहनावे के साथ सभी का दिल भी जीत चुकी है। पर क्या आप जानते हैं कि मराठी रोल निभाकर मराठी लुक में नजर आई उन सभी अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री कहलाती है नंबर वन? इसी सवाल का जवाब देते हुए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की टॉप 5 अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने मराठी कॉस्ट्यूम कैरी किया था, और अंत में आपको उस अभिनेत्री से रूबरू करवाएंगे जो मराठी कॉस्ट्यूम पहनकर नंबर वन एक्ट्रेस कहलाती है। तो फिर आइए एक एक कर जानते हैं कि कौन सी है वो एक्ट्रेस। नंबर 5 अंकिता लोखंडे। घर घर में अर्चना देशमुख के किरदार से प्रसिद्ध होकर बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे की वर्सेटाइल एक्टिंग की तो आज पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन अगर बात की जाए इनके मराठी लुक्स की, तो इन्होंने पूरे 7 साल तक पवित्र रिश्ता सीरियल में मराठी मुलगी का किरदार निभाया था, जहाँ ये सिंपल साड़ी पहनकर सिंपल चूड़ियों के साथ काफी खूबसूरत और प्यारी दिखती थी, और दर्शकों को इनकी यही सादगी आज भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इन्हें इस लिस्ट में नंबर 5 पर रखा गया है। नंबर 4 रिम शेख। छोटे पर्दे की वो खूबसूरत अभिनेत्री है जो इन दिनों सीरियल तुझसे है राबता में कल्याणी के किरदार से घर घर में फेमस हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए रिमशेख के मराठी अवतार की, तो ये अच्छी अच्छी अभिनेत्रियों को इसमें मात दे देती है, क्योंकि ये जब भी सीरियल में लाल और हरे रंग की मराठी स्टाइल की कांजीवरम साड़ी पहनकर चलती हैं, तो इनकी अदायगी और मासूमियत को देखकर जवान दिलों की धड़कनें थम सी जाती है, क्योंकि ये मराठी साड़ी और खुले हुए बालों में काफी शानदार दिखाई देती है, जिसके चलते इन्हें इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखा गया है। नंबर 3 ऐश्वर्या शर्मा। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में पत्र लेखक का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा का नाम इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है, जो कि गुम है किसी के प्यार में शो में मराठी लुक में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। जहाँ इनके मराठी नोज पेन और मराठा कुमकुम से तो इन्होंने अपने फैंस के दिलों पर छुरियां चला ही दी थी, क्योंकि इनका ये मराठी कातिलाना अंदाज हर एक फैन को खूब पसंद आता है, और जब ये अपने घुमावदार साड़ी का पल्ला सर पर रखती हैं, तो ये बिल्कुल एक भारतीय मराठी नारी लगती हैं, जिनकी यही खूबी इन्हें इस लिस्ट में नंबर 3 पर लाती है। नंबर 2 अनुष्का सेन। साल 2019 में कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला सीरियल झांसी की रानी को अभी भी दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया जाता है, जिसमें अभिनेत्री अनुष्का सेन ने वीरांगना मणिकर्णिका का किरदार निभाया था। हालांकि इस सीरियल में अनुष्का रंग बिरंगी साड़ी और अंगरखा कुर्ता पहनकर बिल्कुल एक मराठी महारानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई दिख रही थी, क्योंकि इन पर मराठा आउटफिट बहुत ज्यादा जचता है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। इनकी एक से एक चमकदार सूती साड़ी इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम कर रही है। नंबर 1 कृतिका सेंगर। अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने छोटे पर्दे के बहुत से सीरियल्स में काम किया, पर आज भी इन्हें जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झांसी की रानी में रानी झांसी किरदार के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस किरदार में कृतिका की जबरदस्त एक्टिंग और बेमिसाल डायलॉग डिलीवरी का जलवा दर्शकों को देखने को मिला था। हालांकि इन्होंने सीरियल में अंगरखा कुर्ता पहनकर काफी लड़ाइयां जीती हैं, तो वही इनके मराठी साड़ी लुक में इनके गजब के एक्सप्रेशंस और अदायगी देखने लायक होती है, पर जब ये ट्रेडिशनल मराठी हार और नथ के साथ छोटे पर्दे पर काम करती थी, तो इनका एक गजब मराठा अंदाज इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी चौंका देता था, क्योंकि कृतिका अपने मराठी अवतार में बला की खूबसूरत दिखती थी, और यही खूबी इन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है। तो दोस्तों आपको किस अभिनेत्री का मराठी लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा? आप हमें उस अभिनेत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।